A company has four directories open and four salesmen are available for the assignment. The directories are not equally rich in their sales potential. It is estimated that a typical salesman operating in each directory would bring the following annual sales. Annual sale. The four salesmen are also considered to differ in ability. It is estimated that working under the same conditions, their yearly sales would be proportionately as follows. Each four salesmen or even the sale ka proposition hai, proportions hai. Sale hai unki, 7-5-5-4 ki ratio hai. If the criteria is to maximize the total sale, total sale ko maximize karna hai, tab ye bataiye ki kis salesman ko kis characteristics par assign kiya jaye. Dekhi question samajhiye pehle kya hai. Ek hi owner ke char showroom hai, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ, और उनकी एनुअल सेल शोरूम्स की 60,000, 50,000, 40,000, 30,000. इन चारों सेल्स काउंटर का आपको चार व्यक्तियों को असाइन करना है. भाई चारों के चारों जो सेल्स काउंटर है वो चार व्यक्तियों को असाइन करने हैं. चार सेल्समैन हमारे पास अवेलेबल है एबीसी की. इन्होंने ये कहा है जो सेल्समैन एबीसीडी है उनका प्रोपोर्शन मींस ये इनके सेल्स पोटेंशियल दिए हैं 7-5-5:4 के रेशियो में. सबको ऐड करिए 21. दैट इज अगर सेल्समैन ए को मैं फर्स्ट काउंटर पर बिठाता हूं तो उसका रेशियो है 7/21 × एनुअल सेल. दूसरे पर बिठाते हैं तो 7/21 × 50,000, 7/21 × 40,000, 7/21 × 30,000. यूं ही अगर दूसरे सेल्समैन को आप ये काम देते हो तो 5/21 उसका रेशियो तो 5 है. तीसरे के लिए 5/21, चौथे के लिए 4/21 × एनुअल सेल. और हमारा काम है इस एनुअल सेल को मैक्सिमाइज. तो पहले हम ये फाइंड आउट करते हैं प्रॉब्लम मिनिमाइजेशन की नहीं रही अब मैक्सिमाइजेशन की हो गई. पहले हम ये असाइन करते हैं कि कॉरेस्पॉन्डिंग असाइनमेंट प्रॉब्लम क्या होगी. चार कैरेक्टरीज आपने असाइन कर ली और चार सेल्समैन ले लिए. आपने ये कहा कि अगर मैं ए सेल्समैन को इन चारों कैरेक्टरीज पर फिलअप करता हूं तो ए सेल्समैन का रेशियो प्रोपोर्शनल दे रखा है 7. दैट इज कितनी सेल देगा वो फर्स्ट काउंटर पर जाकर 7/21 × 60,000 ये सेकंड काउंटर पर जाकर 7/21 × 50,000, थर्ड काउंटर पर 7/21 × 40,000 और फोर्थ काउंटर पर 7/21 × 30,000. ये 1,000 की यूं ही अगर बी को बिठा दिया गया तो बी का रेशियो 5/21 × 60,000, 5/21 × 50,000, 5/21 × 40,000, 5/21 × 30,000. यूं ही सी के लिए 5/21 × 60,000, 5/21 × 50,000, 5/21 × 40,000, 5/21 × 30,000. डी को बताते हैं तब 4/21 × 50, 4/21 × 40, 4/21 × 30.
ये रेशियोज होते हैं अंदर जो भी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज लिखी है, अगर कुछ भी आपको सब में से कॉमन नजर आ रहा है तो बाहर निकाल कर तब प्रॉब्लम को डील करिए। आ रहा है ना, अगर सचमुच इनकी वैल्यू निकालने लगे 7 × 6 / 21 तो ये तो डेसिमल में आ जाएगा, इससे अच्छा हम 10/21 बाहर ना निकालें। अगर हर किसी में से 10/21 बाहर निकालेंगे तो सेक्शन 42 ये सब को निकाल दीजिए, कम से कम इंटीग्रल वैल्यूज तो आ जाएंगी। दैट इज क्या निकालना चाह रहे हैं, 10/21 दैट इज 10,000, 1000 पहले भी तो था, अपॉन 21 ये आपने बाहर निकाल दी। अल्टीमेटली वैल्यू कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू जुड़ती ही तो है, तो उनका क्या फैक्टर जुड़ रहा है इस बात से मतलब रखिए ना, क्या बचेगा 42, 35, 28, 21, 30, 25, 20, 50, 30, 25, 20, 15, 24, 20, 16, 10। ये आपके पास असाइनमेंट प्रॉब्लम अब बन गई है, लेकिन ये अभी अगर ऐसा इंजीनियर से करना शुरू करोगे तो कॉस्ट मिनिमाइज देगी। मैं चाहता हूं इसे मैक्सिमाइज में कन्वर्ट कर रहा हूं, अगर मैक्सिमाइज में लेना चाहते हैं तो हमें इस प्रॉब्लम को भी माइनस साइन से और मल्टीप्लाई करना होगा इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज द टोटल सेल। कॉरस्पॉन्डिंग असाइनमेंट प्रॉब्लम इज गिवन बाय, ये आपकी असाइनमेंट प्रॉब्लम आ गई, आप पूरा सॉल्यूशन लिखोगे और बाद में जब कॉस्ट का असाइनमेंट निकाल लोगे उसे 10,000/21 से मल्टीप्लाई करना मत भूलना, वही तो कैन एनुअल से होगी, सॉल्व करो। स्टेप 1, पहली रो में से मिनिमम वैल्यू 42 को सब में से घटाओ, 7, 14 and 21 आ गए सारे पॉजिटिव पहले स्टेप में। दूसरी रो में मिनिमम है 30, 0, 5, 10, 15। तीसरी रो में मिनिमम है माइनस के 30, 0, 5, 10, 15। यहाँ पर है 24, 0, 4 है ना, 8 और 12 केवल एक ही कॉलम कट पाया है, अभी तो सारी अलाइन है, सेकंड स्टेप। अब यही काम कॉलम से करो, पहले 0, 0, 0 आ गया, दूसरे कॉलम में 4, 3, 2, 2, 1 यहां पर है 8, 6, 2, 2, 0 यहां 12, 9, 3, 3 पर 0। अब सारे जीरो केवल 2 से ही काम चल रहा है, केवल 2 से ही काम चल गया है ना। स्टेप 3, मिनिमम एलिमेंट अनकवर्ड एलिमेंट में से, अनकवर्ड एलिमेंट का मिनिमम एलिमेंट है 1 ना, उस 1 को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर जोड़िए और बाकी सब में से घटा दो, 0, 0, 0, 1, 0, 0 और बाकी सब में से घटा लो, 2, 0, 0 5, 1, 1 and 8, 2 अब देखना 3 2 ये रहे और 2 और 3 ये रहे, 2 ये रहे, अभी भी 3 ही लाइन ड्रा हो रही है। यही काम दोबारा करो, अनकवर्ड में से मिनिमम एलिमेंट फिर दोबारा बन जाए 0, 0, 0, 2, 2, 0, 0, 1, 4, 0, 0, 0, 7, 1, 1, 0 अब सारे जीरोस काट दो, 3 हैं क्या, नहीं 3 ही है, 1, 2 है ना, 3 के बाद 2 यहां पर है,
और ये चीज हो गए पूरे मेरे सॉल्यूशन 0 0 0 2 0 0 1 4 0 0 0 7 1 1 0 पहली रो में अकेला है और लास्ट वाले कॉलम में अकेला है पहली रो में अकेला है तो यहां पर आ रहा है माइनस के 42 और यहां पर आ रहा है माइनस 12 है तो छोटी वाली वैल्यू लेनी है ना माइनस के 42 अब लास्ट वाले में अकेला है अब ये चार वैल्यू होती हैं चारों में से कोई सी असाइन करते हैं ये जाएंगे टेबल पर ये देखिए इनमें से लीस्ट कौन है ये ले लेंगे तो ये बच जाएगी ये ले लेंगे तो ये बच जाएगी आएगा तो 45 भी दोनों स्थिति में किसी को भी ले लो आपने इसको लिया तो ये कट जाएगा इसके दो ऑप्टिमल सॉल्यूशन है इस स्थिति में बीच वाले में इधर वाले को असाइन कर देते तो वो वाला कट गया होगा और दोनों स्थिति में सेम आ रही है दैट इज असाइन हुआ जो पहला सेल काउंटर है उसको आपने बस पर असाइन किया जो दूसरा है उसको आपने थर्ड पर असाइन किया जो तीसरा है उसको आपने सेकंड पर असाइन किया बी को आपने चौथे पर असाइन किया या ए को फर्स्ट पर असाइन किया बी को सेकंड पर लेकर जा सकते थे तो सी थर्ड पर आ जाता डी वहीं के वहीं रहता और कॉस्ट ऑफ असाइनमेंट क्या होती मैक्सिमम मैक्सिमम सेल कॉरेस्पॉन्डिंग है यहां पर 42 तो ये प्लस 20 25 और प्लस 12 इनटू जो वहां फैक्टर लिखा था 10,000 बाय 20 ये मैक्सिमम सेल है इनका काउंटर एन एयरलाइंस दैट ऑपरेट्स 7 डेज अ वीक हैज अ टाइम टेबल शोन बिलो crew must have a minimum layover time of 5 hours between the flights minimum layover time 5 hours obtain the pairing of the flights that minimize the layover time away from home for any given pairing the crew will be based at the city that result the smaller layover time. For each pair also mention the count where the crew should be based. कि दिल्ली से जयपुर चार फ्लाइट्स रोज जाती हैं रोज वापस आती हैं। अब दिल्ली से जयपुर से फ्लाइट्स जो जा रही हैं जो वापस जयपुर से दिल्ली आ रही हैं। अब एक मिनट के लिए सोचिए दिल्ली से जयपुर वाली पूरी की पूरी फ्लाइट में जो क्रू है क्रू मीन्स जो उसके साथ पूरा स्टाफ चल रहा है जो क्रू है अगर उसमें दिल्ली का रखा गया जो सुबह दिल्ली की चल रही है फ्लाइट जयपुर के लिए सुबह आपने दिल्ली से जयपुर भेज दिया उसे 7 बजे वो चला जब तक वापिस उसके घर लाकर उसको नहीं छोड़ोगे उसके तो वर्किंग आवर्स है ना पूरा का पूरा क्रू तब तक वर्किंग आवर्स में है जब तक कि आप उसको घर लाकर नहीं छोड़ते 8 बजे वो जयपुर पहुंचा ये पॉसिबल नहीं है कि तुरंत वो जयपुर से दिल्ली वापिस आ जाए क्योंकि मिनिमम लेओवर टाइम है 5 घंटे अब आपको ये बताना है मतलब यही क्वेश्चन और आगे बढ़ाइए आपने 8 बजे दिल्ली वाले क्रू को ले जाकर 8 बजे जयपुर छोड़ दिया अब अगर 5 घंटे वो इंतजार कर रहे तो 8 और 5 13 दैट इज 1 बजे के बाद 1 बजे के बाद केवल एक ही फ्लाइट है 5:30 बजे मींस जितनी देर कोई भी क्रू अपने घर से बाहर है उस टाइम को आपने मिनिमाइज करना है जिससे कि आप डेफिनेटली अगर उसके घर से बाहर वाले टाइम को मिनिमाइज कर दोगे तो ड्यूटी आवर्स मिनिमाइज हो गए तो आपको पेयरिंग करनी है कि फ्लाइट्स में कहां कहां कौन कौन सा स्टाफ होगा किस फ्लाइट से कौन से स्टाफ को कहां लेकर जाना है कहां छोड़ना है इस आधार पर कि उनका लेओवर टाइम भी पूरा हो जाए और साथ ही साथ घर से बाहर का जो समय है जो ड्यूटी आवर्स है दैट शुड बी मिनिमाइज है देखिए कैसे If the crew is based on Delhi, then flight number 1, 2, 3,
चार फ्लाइट्स हैं, 101, 102, 103, 104, ये चार फ्लाइट्स वापस आ गई। आपने फ्लाइट नंबर वन से ध्यान देना जो फ्रेंड बैठा को, फ्लाइट नंबर वन से पूरा का पूरा जो क्रू था वो दिल्ली बेस था। फ्लाइट नंबर वन में आपने दिल्ली वाला क्रू रखा, कितने बजे पहुंच गया वो जयपुर? सुबह 8 बजे जयपुर पहुंच गया। आप चाहते हो कि 101 से वापस आए, अगर 101 से वापस लाना है तो सुबह 8 बजे वो पहुंचा है और 8 बजे ही सुबह उधर से फ्लाइट चल चुकी 101 पर। 24 घंटे उसका रिटायर टाइम होगा। अगर फ्लाइट नंबर दो से वापस लाना चाहो तो 102 से 24.5 घंटे, 24.5। मैं 24.5 को करीब 4.5 लिख रहा हूँ। अगर फ्लाइट नंबर 103 से वापस लाना चाहो तो 8 और 4, 12 घंटे हुए, लेवर टाइम तो 5 घंटे का है, ये भी अगले दिन ही जाएगा। 24 और 4, 28 5:30 बजे 104 से ये आ जाएगा। सुबह 8 बजे पहुंच गया है, 4 और 5, 9:30 ये तो तब है जब आप पूरे के पूरे जो वन से आप क्रीम लेकर गए दिल्ली का उसको वेरियस फ्लाइट से वापस लाना चाहो तो। अब दूसरे की बात करिए, फ्लाइट नंबर दो से जो पहुंचा, दो से जो पहुंचा है वो पहुंच गया सुबह 9 बजे, सुबह 9 बजे पहुंचा है, अगर उसे 101 से वापस लाना है, आ नहीं सकता, निकल के निकला है, अगले दिन आएगा ना, 23 घंटे, इससे आ सकता है क्या? ये भी नहीं, 23.5, इससे अगर आए तो अभी 3 ही घंटे हुए हैं, 9 बजे पहुंचा है ना वो तो, अभी 3 ही घंटे हुए हैं, 27, और इससे आना चाहे तो आ जाएगा 8:30। तीसरे नंबर फ्लाइट की बात करिए, तीसरी फ्लाइट 2:30 बजे पहुंची है दोपहर में, 2:30 बजे दोपहर में पहुंची है और सुबह 8 बजे उसने चलना है, तो आज के 2:30 बजे से कल दोपहर सुबह के 8 बजे तक का टाइम, 2:30 से 2:30 12 घंटे हो गए और 2:30 से 8 5.5 घंटे हो गए, 5.5 हो गए 17.5। आज के दोपहर 2:30 बजे से लेकर 8:30 बजे तक 2:30 से 2:30 12 घंटे हो गए और 2:30 से 8 6 घंटे हो गए, 6 घंटे हो गए, 12 और 6 18। आज के दोपहर 2:30 बजे से 12 बजे तक, अगर 2:30 से 2:30 होता तो ठीक 24 घंटे हो गए होते, लेकिन 12 का मतलब 2:30 घंटे पहले ना, 24 में से 2:30 घंटे कम करो, 21:30। आज के 2:30 बजे से 5:30 बजे तक सेम डे फर्स्ट डे लग गया ना, अभी तो 3 ही घंटे हुए, लेकिन उसको उसको 24 घंटे और रेस्ट लेना पड़ेगा, तो 24 घंटे। ऐसे ही जब 7:30 बजे पहुंचा है शाम को, शाम को 7:30 बजे पहुंचा है, अगर सुबह 8 बजे चल रहा है तो 12:30, 7:30 से 8:30 13 घंटे। ये पीएम है वो एएम है, 7:30 बजे से लेकर सुबह के 7:30 बजे तक 12 घंटे और 7:30 से 12 12:30 से 16। आज के शाम के 7:30 बजे से लेकर अगले दिन 5:30 बजे तक 22। ये तो तब है जब आप दिल्ली बेस रखते हो, अगर यही जयपुर बेस होता तो is based on Jaipur. अगर जयपुर बेस हो तो ये यहां देखना, अब जयपुर बेस है तो जयपुर से दिल्ली वाले को आप प्री वर्क करोगे, सुबह 8 बजे आपने उसे घर से लिया है, 9:15 बजे वो दिल्ली पहुंच गया, 9:15 बजे दिल्ली पहुंच गया और फ्लाइट नंबर 101 से, अगर उसे 1 से वापस लाना चाहो तो सुबह 9:15 बजे पहुंचा है, उसे 1 से लाना है, अगले दिन 9:15 करोगे तो टाइम सही नहीं निकलेगा, 9 करो, इस 15 मिनट को कम कर देंगे बाद में।
तो सुबह के 9 बजे से लेकर और सुबह के 7 बजे तक 22 घंटे हो गए, ये 15 मिनट कम कर दो 22 घंटे में से, पॉसिबल दैट इज 21.75। सुबह 9 बजे पहुंचा है, उसे वापस लाना है 8 बजे तो दूसरी नंबर फ्लाइट से, फ्लाइट नंबर 2 से, तो फ्लाइट नंबर 2 इस बार नीचे को चले गए 9 से 8, 23 घंटे हो गए है ना, और 23 और 22 पॉइंट सात 9 बजे से 1:30 बजे तक वो 9 एएम है, 9 से लेकर 1:30 बजे तक 4:30 हुए ना, और 4:30 में 15 मिनट और कम करोगे तो 4:15 ही हुए, जबकि लेओवर टाइम तो 5 मिनट है, 4:15 और फिर 24 और ठीक थी 28.2। अगर फ्लाइट नंबर 4 से वापस ले जाना चाहो सुबह के 9 बजे वाली में फ्री हो तो सुबह के 9 बजे से शाम के 6:30 बजे तक चलेगा, कितने घंटे हो गए 9 बजे से लेकर शाम के 6:30 बजे तक, 9:12 9:30 से 15 मिनट कम कर दो सवाल। अगर यही काम फ्लाइट नंबर 102 से किया जाता तो 102 पहुंचने में 9:45 बजे, इसे भी 10 ही करो, इसमें 15 मिनट बढ़ाकर चलना 9:45 है ना, तो जो 9:45 पहुंच रही है 15 मिनट बाद में आ जाएगा ना सारा, तो हम पूरी कैलकुलेशन करेंगे 10 बजे के हिसाब से और 15 मिनट बढ़ाते चलेंगे। सुबह 10 बजे पहुंची है, अगर 7 बजे चलना चाहे तो नहीं चल सकती, 21 घंटे हो गए अगले दिन, इस 15 मिनट को बढ़ाओ 21.25। दोनों के भी यकीन नहीं है, जब फ्री दिल्ली बेस है तब तो ले ओवर टाइम ये है, वो टाइम जो ही घर से बाहर स्टडी कर रहे हैं, और जब फ्री जयपुर बेस है तो ले ओवर टाइम ये है जो क्रीज है उनका। हमारा ऑब्जेक्टिव है इस टाइम को मिनिमाइज करना है ना, मीन्स टोटल ले ओवर टाइम को मिनिमाइज करना, इन ऑर्डर टू मिनिमाइज ले ओवर टाइम। The assignment problem will be 1, 2, 3. इन दोनों पेजेस में जो भी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू छोटी हो, यहाँ पर 24 है, यहाँ पर 21.75 है, जो भी दोनों में से कॉरस्पॉन्डिंगली छोटी हो उसको लेते चले जाओ, क्योंकि आपको तो लेओवर टाइम मिनिमाइज करना है, दोनों पेजेस में से जो मिनिमम वैल्यू हो उसको सर्च आउट करते चले जाओ, और साथ ही साथ ये भी मानिएगा, ये भी कोई पहचान रखिएगा कि जिससे ये पता चल सके कि मिनिमम वैल्यू आपने ऊपर वाली टेबल से लिए कि नीचे वाली टेबल से लिए, क्योंकि फाइनली जब पेयरिंग करेंगे तो पेयरिंग के समय भी ये भी तो बताना होगा कि क्री को हम दिल्ली बेस रख रहे हैं कि जयपुर बेस रख रहे हैं, है ना। चलिए दिल्ली वाले पर हम स्टार लगाकर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अगर दिल्ली वाले से मिनिमम आएगा तो उसको स्टार लगाएंगे और नहीं आएगा तो स्टार नहीं लगाएंगे। That is corresponding value 24 or 21.75. Minimum Jaipur wale se aaya 23 aur 22.75, 17.5 aur 28.25, 17.5 Delhi wali ke liye, ye pehchan rakhne ke liye 12.5 aur 9.25 24.5 21.25 18 or 8.75 20 18.75 21.5 and 16.5 9.5 8.5 18.75 or 20. अब ये आपके असाइनमेंट प्रॉब्लम हो गए, इस असाइनमेंट प्रॉब्लम को आपने सॉल्व करना, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि पूरी की पूरी टेबल को 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 4 से मल्टीप्लाई करने पर एटलीस्ट ये इंटीजर हो जाएगा, मल्टीप्लाई करिए और
21, 102, 103, 104, 21, 103, 21, 84, 87 और 87। ऐसे करिए, मतलब इंटीजर पार्ट को अलग करिए, डेसिमल पार्ट को अलग करिए। डेसिमल पार्ट में अगर 0.75 का चार गुना करोगे तो 3 आएगा, 0.25 का चार गुना करोगे तो 1 आएगा, और 0.5 का चार गुना करोगे तो 2 आएगा। अब कम से कम इसमें स्टेप्स फॉलो करना आसान हो गया क्योंकि सारी वैल्यूज इंटीजर हो गई। पहला स्टेप, फर्स्ट रो में से मिनिमम एलिमेंट लेकर इसको सबट्रैक्ट करना। पहली रो में मिनिमम एलिमेंट है 38, 49 आएगा क्या, है ना? 38, 85 माइनस 38, 37, 71 माइनस 38, 43, 33। सेकंड रो में मिनिमम एलिमेंट है 34, 7, 5, 55, 31 और 0, यहाँ 70 है, 0, 2, 16 और 5, यहाँ पर 21 है, 16, 14, 0 और 67 ना, कितने जीरोस बने? दो तो ये बने हैं, दो, तीन और चार। पहले कॉलम में अब 0, 49, 57, 0, 16, 2, 45, 53, 0 और 20, 0, 33, 41, 16, 0, 0, 0, 5 और 67। अब दो ये रहे, दो ये रहे और एक ये रहा, अभी भी तीन रहे। अब जितने भी असाइन नहीं हुए हैं, कवरिंग एलिमेंट नहीं है, उसमें से मिनिमम एलिमेंट चूज करो, उसको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर जोड़ना है और बाकी सब में से घटाना है। तो 33, 0, 0 इसका 33 है, 34, 28, 0, 0, 16, 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 16
अब है मिनिमम एलिमेंट 12 गुना 4 0 0 0 12 8 8 0 0 0 28 38 और 12 40 सॉरी 50 16 16 माइनस 12 4 4 0 0 अब जीरोस को कवर करो तीन तो ये रहे तीन दो ये रहे यहां भी दो और यहां भी अब हो गए 101 102 103 104 1 2 4 0 0 0 स्टार अब अकेला जीरो देखो पहले कॉलम में भी अकेला है और सेकंड रो में भी अकेला है कौन सी वैल्यू छोटी है दोनों में चेक कर बताओ सेकंड रो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में सारे चल गए अब ये है अकेला पहले कॉलम में ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में सारे कट गए अब है कहीं अकेला नहीं
अब इन चारों में से लीस्ट एलिमेंट सर्च आउट करो, ये वाला वन को हम लेकर चल रहे हैं स्लाइड नंबर वन से, उसकी पेयरिंग करेंगे 102 के साथ, और साथ ही साथ ये वाला जीरो स्टार वाला नहीं है, है ना? अगर स्टार वाला होता तो फ्यू बेस्ड ऑन डेली होता, यहाँ जो फ्यू होगा दैट विल बी बेस्ड ऑन जेल। यूनी जो दूसरा है उसकी पेयरिंग करेंगे हम 104 के साथ, और यहां क्रीम रखेंगे डेरिवेटिव। जो तीन है उसको पेयर करेंगे हम 101 के साथ, उसमें भी डेरी वाला ही बिल्कुल रखा जाएगा, और जो चार है उसको पेयरिंग करेंगे हम 103 के साथ, यहां जो क्रीम है वो बेस ऑन जनरल होगा। और यदि ऐसा किया गया तो टोकन ले ओवर टाइम होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है, करिए यहाँ जीरो क्या था 85 1/4 85 प्लस चार से गुणा नहीं किया था, चार से भाग तो करना पड़ेगा 34 मिनिमम। अगर टेबल से डेसिमल वाली वैल्यू रखोगे तो सीधा सीधा हो गया, और डेसिमल वाली नहीं रखोगे तो वहां चार से गुणा करके इंटीजर बनाया था ना, तो वापस चार से डिवाइड तो करना होगा। दिस विल द कंप्लीट क्वेश्चन कि किसको किसके साथ पेयर करना है और किस पर कहां का कटिंग आपने अरेंज करना है, ताकि जब आप ये रिजल्ट दे रहे हो तो जिस प्रियो को हम दिल्ली से लेकर चल रहे हैं, जिस प्रियो को हम दिल्ली से लेकर चल रहे हैं वो तो हम फ्लाइट नंबर 2 और 3 के साथ कंबाइन करेंगे, और जिसको हम जयपुर से लेकर चल रहे हैं उसको फ्लाइट नंबर 1 और 4 के साथ कंबाइन करेंगे, जिससे कि लो वोल्टेज मिनिमम।